कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियां, इतिहास से जुड़े हुए कुछ रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है बगुला भगत। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। वहां हर प्रकार के जीवों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी, इसलिए वहां कई प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े और भी जीव जंतु रहते थे। तालाब में एक बगुला भी रहता था। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंखें भी कमजोर थी और मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ये बात उसे खलती थी। इसलिए आलस की वजह से वो अक्सर भूखा ही रहता था। बगुला एक टांग पे खड़ा यही सोचता रहता था कि क्या जुगत की जाए कि बिना मेहनत किए ही मुझे खाने के लिए शिकार मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और वो उस उपाय को आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते हुए देखा तो उसके पास आया और उससे पूछा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय तुम यहाँ पे खड़े होके आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और रोते हुए बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा, तुम तो देख ही रहे। केकड़ा, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे ना? बगुले ने एक और हिचकी ली और बोला, ऐसे जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है बेटा, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा जिसमें बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। बगुले ने केकड़े को बताया, यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हुई है। फिर क्या था, केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने भक्ति और बलिदान का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। थोड़ी ही देर में उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख सारे दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने थोड़ी देर तक सोचने का नाटक किया, फिर बोला, यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा तालाब है जिसमें पहाड़ी झरना गिरता है, वो तालाब कभी भी नहीं सूखता है। अगर यहाँ के सारे जीव उस तालाब में चले जाएं, तो सबकी जान बच सकती है। अब समस्या ये थी कि तालाब के सारे जीव उस तालाब में जाएंगे कैसे। सबने अपनी समस्या बगुला को बताई। बगुले भगत ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये समस्या तुम्हें सुलझा दूंगा, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक ले जाऊं, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बोला, बगुला भगत की जय हो, बगुला भगत की जय हो। फिर तो बगुला भगत के मजे से ही आ गए। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मन हुआ तो वो 2-3 चक्कर भी लगा लेता था। धीरे धीरे चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बन गया और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वो खूब मोटे हो गए, मुख पे लाली आ गई और पंख में चमक आ गई। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल ये होता है, भगत जी के शरीर को देख के लग रहा है उसमें एक तेज सा आ गया है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता और सोचता, देखो
दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबकी बातों का बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चलाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे आ जाए। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहां से वहां पहुंचा दिए लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आ जा मेरी पीठ पे बैठ जा। केकड़ा खुश होके बगुले के पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है और यहां से दूसरा तालाब कितनी दूर है मामा। दुष्ट बगुला खूब जोर जोर से हा हा करके हंसा और बोला, मूर्ख वहां कोई तालाब नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठा कर यहां लाकर खा जाता हूं, आज मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगा। हा 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 हा। केकड़ा सारी बात समझ गया, वो डर से सिहर उठा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरू उड़ नहीं गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटासर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा दे रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा ही मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।